मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की मैथ्स का हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ आर्क, ये सब पढ़ा था और हमने इसकी 12.1 एक्सरसाइज भी की थी। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आज मैं आपको वो वैल्यू सिखाती हूँ। ये टेबल है, ये टेबल आपको लर्न करनी है और बनानी भी आनी चाहिए, तो आज मैं आपको इसे टेबल को बनानी सिखाती हूँ। तो एग्ज़ाम में इस जब तक ये वैल्यूज याद नहीं होंगी आपको, आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो देखिए, हमारे एंगल्स होते हैं एंगल ए, ए कोई भी क्या है, ट्रायंगल है, और ये हमने ले ली एंगल, ये एंगल हो गया हमारा ए बी सी। अब ये वैल्यूज है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये यहीं तक निकाल कर टेबल है। इससे आगे की जो वैल्यू है वो हम क्वाड्रेंट से निकालते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें 0 से नंबर लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। कौन कौन से नंबर लिख लिए हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 1/4 कितना हो गया, 1/2, और यहाँ से 4/4 क्या आ गया हमारा, 1। अब इन सभी के ऊपर करते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 3/4 और स्क्वायर रूट 1। अब 0/4 क्या हो गया, 0/4 क्या हो गया, 0, 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या हो गया हमारा 2, 4 का रूट क्या हो गया 2, √3 और 4 का रूट आ गया 2, √3/2 और 1 का रूट 1। ये वैल्यूज होती है साइन ए, ए ये एंगल है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, और इनका पूरा नाम है साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी साइन ए, ए एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 1, साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर क्या हो गया 1/√2, साइन 60 डिग्री पर √3/2 और साइन 90 डिग्री पर 1। तो आपको ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब नेक्स्ट वैल्यू जो कॉस की निकालते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यहाँ से वैसे स्टार्ट करोगे। अब जो वैल्यू है हमारी साइन 0 डिग्री, जो साइन की 90 पर थी वो कॉस की 0 पर आ गई, कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों की क्या होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री 1/2 और साइन कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री कितना हो गया 0। अब आगे आता है टेन ए, टेन कैसे निकालते हैं हम, टेन ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस, साइन क्या है 0, कॉस क्या है 1, 0 अपॉन 1 0, ये 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ये हमारा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ से 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 तो ये क्या हो जाएगा √2/1, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गई वैल्यू हमारी, क्या आ गई 1। तो tan 45 क्या होता है 1, ये 60 डिग्री क्या हो गया √3 और यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0/1 तो 0 हो गया और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, या फिर ऐसे इन्फिनिटी भी लगा देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो साइन 0 डिग्री पे आई है, और टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3 और टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री √3 और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब है कोसेक ए,
कोसाइन क्या होता है, 1/sin a, क्या होता है 1/sin a, यानी साइन का रेसिप्रोकल 1/sin a, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2, वैसे इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया √2, 2/√3 और 0/ यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1, 1। और जो sec है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec a को क्या लिखते हैं 1/cos a, cos के टर्म का रेसिप्रोकल कर दो 1/1, 1 हो गया, ये 2/√3, 2/1, 2/1 और ये क्या आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। स्मिता जी cot a क्या होता है 1/tan a, ये tan a का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का क्या आ जाएगा 1/0 क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 3/1, 1 और ये यहाँ से आगे हमारा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू जब तक आपको याद नहीं रहेंगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी लर्न होंगे। तो ये हमें अच्छे से ये टेबल आपको बनानी भी आनी चाहिए, बाई चांस वैल्यू भूल जाते हो तो टेबल की बना के मिनिमम 4 या 5 times प्रैक्टिस करनी है तभी आएगी आप, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके, थैंक यू।